हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.6 आर्म रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो, आर्म रिवॉल्यूशन मतलब कि एक्शन टेकन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज गवर्नमेंट बाय वायलेंस। ओके, सो आर्म रिवॉल्यूशन हो रहा था इंडिया में। और देखो, द इंडियन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म टुक मेनी फॉर्म्स। जो ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट इंडियंस लड़ रहे थे, इसके बहुत से अलग अलग फॉर्म्स थे। ठीक है, कोई मॉडरेट्स था, कोई एक्सट्रीमिस्ट था, बहुत से अलग अलग फॉर्म्स। और ऐसे ही एक फॉर्म कौन सा था? आर्म रिवॉल्यूशन। ओके, और आर्म रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? कि इन लोगों को क्या करना था? इन लोगों का मेन ऑब्जेक्ट यानी कि इन लोगों का जो प्राइम इंटेंशन था, सबसे ज्यादा फोकस जो था, वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाना चाहिए? वीक होना चाहिए। ओके, टू डिस्पेल द फियर ऑफ द गवर्नमेंट इन पीपल्स माइंड। देखो, जो इंडियंस थे, उन लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा डर बैठ गया था कि ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिशर्स आर पावरफुल, वी कांट फेस देम। ओके, उन लोगों को ऐसा लगता था, क्योंकि देखो, कोई थोड़ी सी भी हिम्मत करता था कि ब्रिटिशर्स को कुछ बोल सके। उन लोग क्या करते थे? ब्रिटिशर्स इंडियंस को, उन लोगों को जेल में डाल देते थे, या फिर हैंग कर देते थे, या उनकी फैमिली को कुछ कर देते थे। ऐसा कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। इसीलिए इंडियंस को क्या लगता था कि हम लोग ब्रिटिशर्स से तो लड़ ही नहीं सकते, वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है। तो उन लोगों का ये जो आर्म रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोगों का इंटेंशन ये था कि क्या करना है हम लोगों को? लोगों के दिमाग से ये बात निकालनी है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोग लड़ नहीं सकते। अगर हम लोग यूनिटी में आ जाए, हम सब एक हो जाए, तो इंडियंस के आगे ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों को ये बात बतानी थी। ओके, एंड दस टू अप्रूव द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। और जब सब एक साथ आ जाएंगे तो क्या करना है? ब्रिटिशर्स को हमेशा के लिए इंडिया से भगा देना है। ओके, राम सिंह काका है प्लांट रिवॉल्ट इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सो जो राम सिंह काका है, उन्होंने पंजाब में एक रिवॉल्ट यानी कि पंजाब में एक प्रोटेस्ट प्लान किया था अगेंस्ट ब्रिटिश के। ओके, और महाराष्ट्र में भी एक प्रोटेस्ट प्लान हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश। इसको किसने किया था? वसुदेव बलवंत फाड़के ने। ओके, सो कमिश्नर रैंक्स मेथड ऑफ ट्रीटिंग पीपल ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन पुणे वर एक्रोसियस। देखो, अब ये बात ध्यान से सुना, प्लेग क्या था? देखो, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले क्या फेस किया? कोरोना। वो कितना ज़्यादा हम लोग उससे परेशान हो गए थे। तो वैसे ही एक बीमारी आई थी 1894 से लेके वो 1898 तक थी। ठीक है, कब तक थी? 1894 से शुरू हुई थी और 1898 तक थी। ओके, लेकिन इंडिया में वो कब पहुंच गया था? 1896 में। देखो, शुरू हुई थी, प्लेग शुरू कब हुआ था? 1894 में। और इंडिया में कब आ गया था? 1896 में। ओके, सो देखो, जब प्लेग आया, प्लेग क्या होता था ना कि चूहे के काटने से ये बीमारी फैल रही थी, और ये बहुत ज़्यादा फैल चुका था। ओके, इससे सबसे ज़्यादा लोग चाइना में इफेक्ट, चाइना में 50,000 लोग मर चुके थे इससे। उसके बाद चाइना के बाद ये हांगकांग में गया था, एंड देन हांगकांग से इंडिया में आ गया था। ओके, और इंडिया में ये जो पुणे में बहुत ज़्यादा फैल गया था ये। ओके, सो जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन लोग का उस टाइम पे रूल था, तो इन लोगों ने क्या किया था? एक कमिटी बनाई थी ताकि इससे फेस कर सके। ठीक है, इससे लड़ सके प्लेग से। तो ये लोग क्या करते थे? जैसे देखो, हमारे कोरोना के टाइम पे क्या होता था, हमारे घर में सर्वे के लिए आते थे कि किसकी तबीयत खराब है, क्या कुछ हो रहा है, क्या ऐसे पूछने को। तो ऐसे ही ये जो कमिटी वाले थे, ठीक है, प्लेग से जो इन लोगों ने फाइट करने के लिए कमिटी बनाई थी, उसके लोग सब इंडियंस के घर पे जाते थे। लेकिन इंडियंस को क्या लगता था कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स की कोई तो साजिश है, ये लोग क्या करना चाहते हैं? इंडियंस को सप्रेस करना चाहते हैं, इंडियंस को दबाना चाहते हैं। और उन लोगों को यही लगता था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स कर बहुत बुरा रहे थे, लेकिन ये जो कमिटी उन लोगों ने बनाई थी, ये भलाई के लिए ही बनाई थी इंडियंस की। ओके, क्योंकि अगर इंडिया को कुछ होता तो इंडिया भी तो उन लोगों का ही, उन लोगों को भी क्या होता? नुकसान होता। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था? ये कमिटी बनाई थी। लेकिन इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो कुछ तो प्लान कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। और इंडियंस को ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे घर घर आ रहे हैं, ये हमारा कुछ तो नुकसान करना चाहते हैं। ओके, सो जो ये था रैंक्स, यही क्या था? इस कमिटी का कमिश्नर था। ठीक है, इसके अंडर ये सारी चीजें होती थी। तो ये सारी जो चीजें हुई, तो इंडियंस को क्या लगा था कि ये हमारे खिलाफ क्या है? साजिश है। तो इसीलिए इंडियंस जो इनरेज, यानी कि इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में थे इसकी वजह से। और दामोदर एंड बालकृष्ण चपेकर द टू ब्रदर्स किल्ड रैंक। ठीक है, देखो, इन लोगों ने तो ये सोचा कि क्या कर रहे हैं, इंडियंस को परेशान कर रहे हैं ब्रिटिश ये कमिटी वाले, इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया? रैंट को किल कर दिया। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी इंडियंस की। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अच्छा सोच रहे थे, उस टाइम पे वो लोग इसके लिए प्लेग से फाइट करने के लिए ये कमिटी बस इसीलिए बनाई थी, लेकिन इंडियंस को कुछ और लग रहा था। ओके, सो इसीलिए एक गलत फहमी की वजह से दामोदर एंड बालकृष्ण ने क्या किया था? रैंट को मार दिया था। ओके, सो इन 1919 विथ
द इनिशिएटिव ऑफ गणेश दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर विनायक दामोदर सावरकर मित्र मेला अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश एट नासिक। तो देखो 1899 में क्या हुआ था, गणेश दामोदर सावरकर और उनके भाई जो थे विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कहाँ पर, नासिक में, और इसका नाम क्या रखा था, मित्र मेला। ओके, द सेम ऑर्गेनाइजेशन वॉज रीनेम इन 1904 एज अभिनव भारत। देखो ये जो था मित्र मेला, ये 1904 में अभिनव भारत बन गया था, यानी कि इसका नाम क्या हो गया था, पहले क्या था, मित्र मेला, लेकिन अब 1904 में क्या हो गया था, ये अभिनव भारत। और द सेम ईयर विनायक दामोदर सावरकर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हाई एजुकेशन, और उसी साल 1904 में क्या हुआ था, विनायक दामोदर सावरकर इंग्लैंड चले गए थे ताकि वो हायर एजुकेशन ले सके, और वहां पर से उन्होंने क्या किया था, गिव मी अ सेकेंड, या सो फ्रॉम देयर ही बिगेन टू सेंड रिवोल्यूशनरी लिटरेचर पिस्तौल एक्सेट्रा। तो देखो वहां से वो जब दामोदर सावरकर चले गए थे इंग्लैंड में, तो वो वहां से क्या करते थे, रिवोल्यूशनरी लिटरेचर्स और जो पिस्तौल्स वगैरह वो भेजते थे, ठीक है, इंडिया में, किसको, अभिनव भारत के मेंबर्स को भेजते थे। ओके, और उन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी थी जोसेफ मजीनी की, ये कौन था, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था। ओके, ही ऑल्सो रोट द बुक 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक भी लिखी थी इन्होंने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो द एक्टिविटीज ऑफ अभिनव भारत, ठीक है, लेकिन देखो एक सीक्रेट मिशन था ये, लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या हुआ था, इसके बारे में, इसकी भनक पड़ चुकी थी, वो लोग इसके बारे में समझ चुके थे कि अभिनव भारत क्या है, ये लोगों का कुछ तो सीक्रेटली चल रहा है। ओके, सो इसीलिए ये लोगों ने क्या किया था, गणेश दामोदर सावरकर को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, किसने किया था अरेस्ट, ब्रिटिश ऑफिसर ने, इसका नाम क्या था, जैक्सन। ओके, द ब्रिटिश कलेक्टर पनिश हिम विद द लाइफ सेंटेंस, उनको लाइफ सेंटेंस बोल दिया गया था। ओके, उम्र कैद की सजा। आनंद लक्ष्मण कन्हेरे अ यंग इंडियन रिवोल्यूशनरी किल्ड जैक्सन टू अवेज द ब्रिटिश, सॉरी, टू अवेज द पनिशमेंट गिवन टू द दामोदर सावरकर। तो देखो ये जो था आनंद लक्ष्मण कन्हेरे, इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिशर से ये क्या ले सके, बदला ले सके, अवेज भी मतलब क्या होता है, रिवेंज और अवेज एक ही। ओके, सो ये आनंद लक्ष्मण ने क्या किया था, जैक्सन को मार दिया था ताकि वो क्या कर सके, दामोदर सावरकर गणेश के जो उन्होंने अरेस्ट करके लाइफ सेंटेंस दिया उसका बदला ले सके। ओके, द गवर्नमेंट हेल्ड विनायक दामोदर सावरकर फॉर जैक्सन मर्डर, ठीक है, विनायक, अब देखो जैक्सन को तो मार दिया है किसने, आनंद लक्ष्मण ने, लेकिन ये जो आनंद लक्ष्मण ने मारा है इसकी वजह से किसको पकड़ा था, विनायक दामोदर सावरकर को, क्योंकि क्या हुआ था, जैक्सन का मर्डर हो गया था और इनका ही भाई था वो, तो इन लोगों को लगा, ब्रिटिशर्स को, कि आनंद लक्ष्मण को इसने ही बोला है, इसने ही ऑर्डर दिया, इसीलिए क्या कर लिया गया, विनायक दामोदर को अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, ही वॉज अरेस्टेड एंड हैड टू फेस अ ट्रायल इन कोर्ट, उनको कोर्ट में यू नो बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टीज हुई। He was declared guilty and sentenced to rigorous imprisonment for 15 years at Andaman. Okay, so देखो उनको क्या बोल दिया गया कि ये guilty है और sentenced to rigorous, यानी कि जो देखो आप लोगों ने काला पानी की सजा सुनी है, आप लोगों ने actually सुनी ही होगी ये, तो वो उनको बोल दिया गया था कितने सालों के लिए, 50 सालों के लिए। Okay, so revolutionary organization named as Anushilan Samiti was एक्टिव इन बंगाल, ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन था रिवोल्यूशनरीज का, वो क्या था, अनुशीलन समिति, वो बंगाल में एक्टिव था। अरविंद घोष एंड हिज ब्रदर बरेंद्र कुमार घोष वर एट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अरविंद घोष और उनके जो भाई थे उनका नाम क्या था, बरेंद्र कुमार घोष, ये दोनों हेड थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, किस ऑर्गेनाइजेशन के, अनुशीलन समिति के। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन हैड अ सेंटर ऑफ बॉम्ब मेकिंग इन मानिकताला नियर कोलकाता, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था अनुशीलन समिति, इन लोगों के पास क्या था, बॉम्ब मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था, कहाँ पर, मानिकताला कोलकाता में। इन 1808 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की ऑफ अनुशीलन समिति मेड अ प्लान ऑफ किंग्सफोर्ड एसोसिएशन हु वाज एन एक्टिव इविल ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट। तो देखो ये जो थे खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, इन लोगों ने 1908 में एक प्लान किया था कि हम लोग क्या करेंगे, किंग्स फोर्ट जो है उसको मर्डर कर देंगे, उसको इस बॉम्ब से ब्लास्ट कर देंगे, और वो एक देखो इविल ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट, यानी कि वो क्या था, एक इविल ब्रिटिश, यानी कि हम बोलते हैं ना कि ये तो इंसान के रूप में क्या है, शैतान, तो वो वैसा ही था, और इसीलिए उन लोगों ने क्या सोचा था कि हम लोग ये बॉम्ब से इसको यस खलास कर देंगे। हाउएवर द हॉर्स कोर्ट विच वॉज बॉम्ब्ड बाय देम डिड नॉट ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, आप लोग ध्यान से सुनो, इन लोगों ने क्या सोचा था
कि हम लोग क्या करेंगे, किंग्सफोर्ड को मार देंगे, ठीक है, बॉम्ब से उसको ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन जो हॉर्सकर्ट था उसने क्या किया था, देखो हॉर्सकर्ट बॉम्ब उस पर ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन उसने जो है अपने साथ लाया ही नहीं था किंग्सफोर्ड को, बल्कि उसने अपने साथ किसको लाया था, दो ब्रिटिश वुमेन को लेकर आया था, ठीक है। और दोनों के दोनों इस बॉम्ब की वजह से क्या हो गए थे, मर चुके थे। प्रफुल्ल चक्की शॉट हिमसेल्फ, प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को क्या कर दिया था, शूट कर दिया था। एंड खुदीराम बोस क्या हो गए थे, अरेस्ट कर लिए गए थे, ठीक है। किसने अरेस्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने, और बाद में क्या किया, हैंग कर दिया गया था उन्हें। ओके ओके सो सयामजी कृष्ण वर्मा हैड फाउंडेड इंडियन हाउस इन लंडन। सो सयामजी कृष्ण ने इंडियन हाउस ढूंढा था लंदन में, ठीक है, बनाया था, ठीक है, एस्टैब्लिश किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, जो इंडियंस होते थे, ठीक है, इंडियंस स्टूडेंट्स होते थे, उनको स्कॉलरशिप देता था इंग्लैंड में, ताकि वो लोग क्या कर सकते थे, हायर एजुकेशन ले सके, ठीक है। मैडम कमा बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड बाय शिवाजी कृष्ण वर्मा, शी वॉज अ सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। तो देखो ये जो है, जिनका फोटो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या थे, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, और ये एक साथ ही साथ रिवॉल्यूशनरी थे और सोशलिस्ट थे। ओके, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी शी रेज द इशू ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। और देखो सोशलिस्ट, वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में, और वहां पर उन्होंने ये बोला कि इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, इंडिया इंडियन का ही है। ओके, और शी अनफ्लर्ड अ फ्लैग रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया, उन्होंने इंडिया का झंडा लहराया था, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही यू नो ब्रेवली बोला था सब, अपनी जो स्पीचेस थी। देखो हमारी एक ऐसी औरतें भी थी जो हम लोग को इतना इंस्पायर करते, लेकिन हम लोग इनके बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे आप में से बहुत लोग, बल्कि जो फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं मूवी में, हम लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। सो इट्स रॉन्ग, ठीक है। देखो हर किसी का कुछ फेवरेट चॉइस होता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, मगर एटलीस्ट आप लोगों को इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसी महान औरतें हमारी। ओके, सो मंडललाल धिंगरा शॉट कर्जन वेले टू दैट एंड वॉज अरेस्टेड एंड हैंग फॉर इट। तो इन्होंने क्या कर दिया था, देखो हर जगह लड़ाई झगड़े दंगे फसाद यही हो रहा था। सो मंडलंग डिंगरे जो थे, उन्होंने जो ये था कर्जन, उसको क्या कर दिया था, शूट कर दिया था। ओके, और देन उनको, जब इसने ब्रिटिश को शूट कर दिया तो इनको भी तो पकड़ा ही जाएगा ना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मंडलंग को पकड़ लिया एंड देन हैंग कर दिया था उनको भी। इंडियंस इन अमेरिका एंड कैनेडा हैड एस्टैब्लिश रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज नेम एज गदर। तो देखो इंडियंस जो थे अमेरिका एंड कैनेडा में, उन लोगों ने वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे रिवॉल्यूशन के लिए, और उसका नाम क्या था, गदर। लाला, ये आप लोग याद रखना, मैं एक बार आप लोगों को रीड करके भी बता देती हूँ। लाला हरदयाल, भाई परमनंद, डॉक्टर पंडुरंग, सुदाशिव खनखोजे वर अमंग द मेन लीडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना कि गदर के मेन लीडर्स कौन थे, लाला हरदयाल, भाई परमनंद, डॉक्टर पंडुरंग, सदाशिव खनखोजे। ओके, ये सारे कौन थे, मेन लीडर्स थे गदर के। गदर मीन्स अपराइजिंग, गदर का मतलब क्या होता है, अपराइजिंग। और अपराइजिंग का मतलब आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, बच्चों नहीं याद होगा तो देखो सुन लो एक बार, और ये लास्ट टाइम बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सब पढ़ोगे और एक ही चीज़ रिपीट करते रह जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। ओके, देखो अपराइजिंग मतलब होता है सिचुएशन इन विच पीपल स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पावर। ओके, ठीक है, वो लोग क्यों गवर्नमेंट पावर के अगेंस्ट फाइट करते हैं, क्योंकि वो लोगों के जो कुछ कंडीशंस होती है, जो कुछ यू नो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसके अगेंस्ट होते हैं, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और इसीलिए वो लोग सब साथ आकर क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, और इसको ही क्या बोलते हैं, अपराइजिंग। सो गदर मतलब भी वही होता है, अपराइजिंग। गदर वॉज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एज वेल। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो गदर था ही, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों ने एक और चीज़ पब्लिश करना शुरू किया था, वो क्या था, न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर का नाम भी क्या था, गदर ही। ओके, सो दिस न्यूज़पेपर गेव अ मैसेज टू पैट्रियटिज्म एंड रिवॉल्यूशन टू इंडियंस। तो देखो लव फॉर नेशन के लिए और रिवॉल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा था ये प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था रिवॉल्यूशनरीज को। ओके, हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगले कंट्रीब्यूटेड इन अ ग्रेट वे इन दिस वर्क। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा यू नो इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इस काम में। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस न्यूज़पेपर में। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला रोशन सिंह, राजेंद्र लहिरी ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हैड मास्टर माइंड अ प्लान फॉर रेजिंग मनी फॉर रिवॉल्यूशनरी वर्क। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल, थोड़ा सा इनका नाम पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा है, सॉरी, अशफाकुल्ला रोशन सिंह,
सिंह, राजेंद्र लहिरी, ये सब कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे। और इन लोगों ने एक बहुत ज़्यादा यू नो मास्टर माइंड एकदम सॉलिड सा प्लान बनाया था कि हम लोगों को कैसे पैसे निकालने हैं, हम लोगों को कैसे हमारा जो वर्क होगा रिवॉल्यूशनरीज का उसमें हम लोगों को पैसे तो चाहिए रहेंगे। देखो कुछ भी बिना पैसे के होगा नहीं, ठीक है, उसमें अगर फाइट करेंगे तो उसके लिए भी इक्विपमेंट्स, उसके लिए भी वेपन्स वगैरह के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सारे पैसे हम लोग कैसे यू नो कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे हमारे पास आएंगे, इसके लिए इन लोगों ने बहुत मास्टर माइंड प्लान किया था, विच केम टू नोन एज काकुरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और इसको ही क्या बोला था कि ये जो रेस करने के लिए इन लोगों ने मास्टर माइंड प्लान किया था पैसे रेस करने के लिए, उसका नाम क्या था? काकुरी कॉन्स्पिरेसी। ओके, दिस सेक्ट अ ट्रेंड विच वॉज कैरिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। दिस सेक्ट यानी कि सेक्ट मतलब भी होता है सीज, ओके, सीज मतलब कि उन लोगों ने क्या किया था, उस पर अपना कब्जा करने का चाहा था, ठीक है। वो जो ट्रेन थी जिसमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी यानी कि जो फंड होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जो टैक्सेस से लेती है एंड देन उनके पास जो फंड होता है, ओके, वो आ रही थी और उसको सेक्ट करने का ट्राई किया था इन लोगों ने। वैन इट हैड स्टॉप एट काकुरी स्टेशन, जब भी काकुरी स्टेशन उत्तर प्रदेश में रुका था तो इन लोगों ने क्या चाहा कि इसको हम लोग क्या करें, सेक्ट कर ले। द गवर्नमेंट वॉज प्रॉम्प्ट इन एक्शन, लेकिन इतना आसान नहीं था बच्चों, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता चल गया, उन लोगों ने ये इन लोगों को यू नो इमीडिएटली यू नो प्रॉम्प्टली यानी कि इमीडिएटली, ओके, कैच कर लिया, इन लोगों को पकड़ लिया और इन लोगों पे एक्शन लिया था। इन सबको क्या किया था, इमीडिएटली कैप्चर करके हैंग कर दिया गया था, ओके। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सम यंग पीपल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड द कम्युनिस्ट पार्टी फॉलोइंग द रिवॉल्यूशनरी थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स, ओके। सो देखो इस टाइम पे क्या हुआ था कि पहली बार इंडिया में कोई यंग पीपल साथ आए थे और उन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उन लोगों ने यहाँ पर किसके थॉट्स फॉलो किए थे, कार्ल मार्क्स के, ओके। देयर एम वॉज टू अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उन लोगों का भी जो एम था वो क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो होना है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, एंड टू एस्टैब्लिश द रूल फॉर वर्किंग क्लास पीपल, और वर्किंग क्लास पीपल का एस्टैब्लिश होना चाहिए रूल। मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ अटेम्प्टिंग आर्म्ड रिवॉल्यूशन, तो ये जो यंग हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे ये लोग भी किसके अंदर ट्रेंड थे, हमारे जो आर्म्ड रिवॉल्यूशनरीज थे उनके अंदर, ओके। द मीरठ केस ऑफ कानपुर केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिसीव अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, तो देखो मीरठ केस जो था, मीरठ केस यानी कि वहाँ से जो बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया था ज़बरदस्ती, क्योंकि वो लोग क्या थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, और उन लोगों को यू नो बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा दी गई थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। लेकिन वो जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज भी थे उन लोगों ने भी डट कर कहा कि हम लोग रिवॉल्यूशनरीज हैं और हमारा होम टाउन तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा रूल हम लोग खत्म कर देंगे, ब्रिटिशर्स को हम भगा देंगे। लाइक वो लोग को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था लेकिन फिर भी डट कर उन लोगों ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था, ओके, कि हम लोग तुमको भगाना ही चाहते, हमारा तो यही एम है, तुम लोग सही समझ रहे हो। वो डरे नहीं थे कि नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली यू नो हम उनकी जो स्पिरिट थी वाओ, ओके। सो ये सारी जो चीज़ें थी मेरठ केस वगैरह, ये इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी। कमरेड श्रीफत अमृत डंगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगालकर वर अमंग द अक्यूज इन दिस केसेस, ओके। सो इन सबको पकड़ा गया था मेरठ केस में और इन लोगों को अक्यूज किया गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था, ठीक है, अक्यूज मतलब समझ जाओ आप लोग, ओके। सो द यंग रिवॉल्यूशनरीज चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव है द सेकुलर वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ये लोग ऐसा नहीं सोचते थे ये हिंदू ये मुस्लिम, हमारा हम तुम्हारा तुम, देखो ऐसा नहीं, ये लोग जो थे एक बहुत ओपन माइंडेड थे और वो लोग एज अ इंडियन सबका सोच रहे थे, ओके। इन 1928 दे एस्टैब्लिश हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन इन दिल्ली, ठीक है, उन लोगों ने 1828 में एस्टैब्लिश किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कहाँ पर, दिल्ली में। देयर गोल वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, उन लोगों का भी गोल क्या था कि इंडियंस को फ्री करना है ब्रिटिशर्स से, ओके। दे वॉन्टेड टू रिप ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम दैट एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स एंड लेबर्स, उन लोग ये चीज़ हटाना चाहते थे कि इंडियंस और जिस इंडियंस लेबर्स और फार्मर्स को जो भी प्रॉब्लम हो रही है ब्रिटिशर्स के सिस्टम की वजह से, ये क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, ओके। देयर ऑर्गेनाइजेशन हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उन लोगों का एक खुद का यू नो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फॉर कलेक्टिंग आर्मीज एंड एग्जीक्यूट देयर प्लान्स, ठीक है, लोगों को गैदर करने के लिए और उन लोगों के जो प्लान्स थे उसको बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये था, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन था, ये डिपार्टमेंट जो था इन लोगों का क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनाया गया था, ठीक है। किस लिए बनाया गया था, कलेक्टिंग आर्म्स यानी कि लोगों को
गैदर करने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों के प्लान्स के, उन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग सब कहाँ होती थी, यहीं पर होती थी. ओके, चंद्रशेखर आजाद वॉज द चीफ ऑफ दैट डिपार्टमेंट. ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, इसके चीफ थे. ओके, द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड कंप्लीटेड सेवरल एडवेंचरस टास्क. ओके, सो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने बहुत यू नो एडवेंचरस टास्क, जो बहुत यू नो डिफिकल्ट चीज़ें थी, जो ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा था बाकी लोगों को, वो उन लोगों ने कंप्लीट किया था. भगत सिंह एंड राजगुरु अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय. तो देखो, भगत सिंह एंड राजगुरु ने लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए क्या किया था, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर के साउंडर्स थे यानी कि जो उनके डिफेंडर्स थे उन सबको मार दिया था, ताकि क्या हो, ब्रिटिशर्स को एक सबक मिले और उन लोगों को यू नो थोड़ा तो लगे कि इंडिया के पास पावर है, इंडियंस के पास. ओके, इसीलिए उन लोगों ने ये किया था, कि किसने किया था, भगत सिंह एंड राजगुरु ने, ताकि क्या कर सके, लाला लाजपत राय का बदला ले सके. ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सबमिटेड टू बिल्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. तो देखो, ब्रिटिशर्स ने अगेन क्या किया, कुछ ना कुछ पॉलिसीज बना ही रहते, और उन लोगों ने दो बिल सबमिट किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव में. ओके, विच वर एब्सोल्युटली डैमेजिंग द सिविल राइट्स. ठीक है, जो जो उन लोगों के बिल्स थे उससे जो सिविल राइट्स था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था. भगत सिंह एंड बाकुकेश्वर दत्ता एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सरेंडर टू पुलिस. तो देखो, जब वहाँ पर मीटिंग चल रही है, असेंबली में क्या हो रहा है, मीटिंग चल रही है अंदर और बाहर से, भगत सिंह ने एंड उनका जो एक साथी था, क्या नाम था उसका, बाकुकेश्वर, उन्होंने क्या किया था, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था वहाँ पर, और बाद में उन लोगों ने क्या किया, खुद ही सरेंडर कर दिया था पुलिस को. ओके, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर हैंग्ड एट लाहौर. ठीक है, भगत सिंह को, राजगुरु को एंड सुखदेव को क्या कर दिया गया था, लाहौर में हैंग कर दिया गया था 1931 में अंडर द चार्ज ऑफ ट्रेजन, यानी कि एक गद्दार बोलकर उन लोगों को क्या कर दिया गया था, हैंग कर दिया गया था 1931 में. और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो एक यू नो शहीद का दर्जा मिल गया था उन्हें, शहीद हो गए थे वो फाइटिंग करते हुए ब्रिटिश फोर्सेस के, कहां पर, अल्फर्ड पार्क में इन अलाहाबाद में. ओके, तो सूर्य सेन वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप वॉकिंग विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी. ओके, सो देखो, सूर्य सेन जो थे वो एक ग्रुप के लीडर थे, जिन लोग किसके साथ काम करते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के साथ. इसका हम लोगों ने पहले भी पढ़ा लास्ट पेज पर, कि यहाँ पर क्या होता था, सारे यंग रिवॉल्यूशनरीज जो थे हमारे वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर गैदर करते थे, यहाँ पर ही उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी सारी. ओके, सो इनके साथ ही ये जो दूसरा ग्रुप था रिवॉल्यूशनरी वो भी वॉक करता था, और इनके लीडर कौन थे, सूर्य सेन. तो सूर्य सेन ने एक प्लान किया था कि वो लोग जो ब्रिटिश आर्मरीज होती है, ठीक है, ब्रिटिश जहाँ पर अपना वेपन्स, अपने जो पूरे इक्विपमेंट्स स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे. ऐसा सूर्य सेन ने प्लान किया था. ओके, और वो लोग ऑलमोस्ट अपने प्लान में सक्सेस होने ही वाले थे, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, सूर्य सेन एंड उनके जो सम कलीग्स, ओके, उनके जो कुछ साथी थे, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था. सूर्य सेन एंड हिज कलीग्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ नेशन. फिर क्या हुआ, सूर्य सेन एंड उनके जो साथी थे उन लोगों ने नेशन के लिए, हमारे नेशन के लिए क्या किया, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. ओके, कल्पना दत्त जो थे वो उनके ग्रुप में से ही एक थे, और उनको क्या बोल दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कि इनको क्या होगा, लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद की सजा. ओके, प्रीति लाता वडेकर स्केप द पुलिस बट सेक्रीफाइस हर ओन लाइफ. इन्होंने स्केप किया था, पुलिस को एस्केप किया था, इनके भगा दिया था, लेकिन इवेंचुअली उनको भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी. शांति घोष एंड सुनीता चौधरी द टू स्कूल गोइंग गर्ल्स शॉट चार्ल्स बेकल. तो देखो, ये जो थे शांति घोष एंड सुनीता चौधरी, ये लोग दो स्कूल जाने वाली लड़कियां थी छोटी, लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखो, इन लोगों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट था यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जज था उसको शूट कर दिया था. ठीक है, दे वर कॉट एंड सेंटेंस टू प्रिजन फॉर लाइफ. और उन लोगों को, ये जो दोनों गर्ल्स थी स्कूल गोइंग गर्ल्स द ब्रेव, ओके, तो इन लोगों को क्या किया था, पुलिस ने पकड़ लिया था, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को जेल की कदा बोल, जेल की कैद बोल दिया था पूरी जिंदगी भर के लिए. ओके, बीना दास अ मेंबर ऑफ नेशनल कांग्रेस अटेम्प्ट टू किल सेंट क्लेयर जैक्सन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बाय शूटिंग एट हिम. ओके, तो जो बीना दास थी, ओके, ये एक मेंबर थे नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्होंने अटेम्प्ट किया कि ये सेंट क्लेयर जैक्सन जो है उसको मार दे. उन्होंने क्या किया था, उसको शूट कर दिया था. ओके, कब, कन्वोकेशन सेरेमनी. देखो, कन्वोकेशन सेरेमनी जब बच्चों को डिग्री मिलते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन होता है तो जो कैप वगैरह मिलते हैं सब यू नो आते हैं, उनको यू नो सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, तो वही हो रहा था कैलिकट यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर उन्होंने, बीना दास ने क्या ट्राई किया कि वो सेंट क्लेयर जैक्सन को शूट करके मार दे. ओके, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स ने
पकड़ लिया था और 9 ईयर्स रिगोरस इम्प्रिजन, ओके, उनको 9 साल की कड़ी सजा दी गई थी जेल में। लाइक देखो, ऐसे जो नॉर्मली जेल होता है वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा यू नो उनको टॉर्चर किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी जेल में, ऐसे बोलकर 9 ईयर्स की सजा दी गई थी। ओके, द रिवॉल्यूशनरीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो तो बेचारे कैसे ना कैसे क्या हो गए, हैंग्ड हो गए, उनको कैसे ना कैसे मार दिया गया, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ओके, वो लोग बहुत ज़्यादा करेजियस थे, ओके, एंड डिटर्मिनेशन पर्सनिफाइड, यानी कि उन लोगों ने एक यू नो एग्जाम्पल सेट कर दिया है, लोग उनकर देख कर बोलते कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, उनको देख कर लोगों को पता चला कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, उनको देख कर ही इंडियंस को हिम्मत मिली थी। ओके, देयर लॉयलिटी टू नेशन एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स आर अनमैच्ड। देखो, उन लोगों की जो लॉयलिटी थी अपने नेशन को लेकर, और वो लोग हमेशा यू नो हमेशा तैयार थे कि हम लोग को कभी भी मौका मिला हम लोग अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, खुशी खुशी जान देने के लिए तैयार, ऐसे उन लोगों का सोल था, ऐसे उन लोगों की स्पिरिट थी, और ये देखकर यू नो बहुत ज़्यादा सब लोग इंस्पायर हो गए थे। देयर सेक्रीफाइस हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशनल टू ऑल। ओके गाइज, ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे 6.7 महात्मा गांधी नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट मूवमेंट। द मेन प्ले ऑफ लोकमान्य तिलक आफ्टर हिज डेथ इन 1920 वॉज पास्ड ऑन दी महात्मा गांधी। तो देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लोकमान्य तिलक की उनकी डेथ के बाद थी, किस पर आ गई थी, महात्मा गांधी जी पर। ओके, ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो गांधी जी ही बन गए थे इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर। ओके, और उनके लीडरशिप में इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा सुधारा गया था, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो गई थी गांधी जी के अंडर में। ओके, गांधी जी वर्क बिगेन इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी का काम कहाँ से शुरू हुआ था, साउथ अफ्रीका से। वहाँ पर देखो, जो ब्रिटिश रूल था साउथ अफ्रीका में, उन लोगों ने क्या किया था, जो इंडियंस थे और साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे उन लोगों को एक बहुत बुरे हाल पर पहुँचा दिया था, ठीक है, वेरी इनसिग्निफिकेंट स्टेटस पे ला दिया था, ठीक है। सेवरल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड रेगुलेशन वर इम्पोज ऑन देम, क्योंकि उन लोगों पे क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे और जो इंडियंस थे, उन लोगों पे बहुत यू नो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थोप दिए गए थे, उन लोगों पे बहुत से रेगुलेशन जो थे उन लोगों को ज़बरदस्ती से फॉलो करने पड़ रहे थे, जो कि जस्टिस नहीं था उन लोगों के लिए। ओके, गांधी जी स्टूड अप अगेंस्ट दोज लॉज एंड रेगुलेशन। गांधी जी उसके खिलाफ थे, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने खड़े हुए वो, और उन्होंने बोला कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। ही वॉज सक्सेसफुल इन इट विथ नॉन वायलेंस मीन्स, ठीक है, और इसमें जब उन्होंने ये अपनी स्पीच दी कि ये चीज़ गलत है, लोगों को समझाया, ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट किया, तो क्या हुआ था, उनका ये जो काम था वो सक्सेसफुल हो गया था, और ये लॉज जो थे वो हट गया था, और ये कैसे हुआ था, नॉन वायलेंस से। ओके, इन 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, 1915 में गांधी जी वापस से इंडिया में आ गए थे। इन 1917 ही टुक अप द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स इन चंपारण इन बिहार। द ब्रिटिश प्लांट ओनर्स देयर वर प्रेशरिंग लोकल फार्मर्स टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो, नॉट ओनली दैट दे यूज टू बाय इंडिगो फ्रॉम देम एट अ वेरी लो रेट्स। ओके, तो देखो, गांधी जी 1917 में खड़े हुए थे एक इशू के खिलाफ, वो क्या था कि जो इंडियन में बिहार में चंपारण में, ठीक है, फार्मर्स थे, उन लोगों को जो प्लांट ओनर्स थे, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्या बोलता था कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या प्लांट करो, क्या कल्टीवेट करो, इंडिगो ही करो। और जब वो लोग इंडिगो कल्टीवेट कर लेते थे तो वो इंडिगो को बहुत ज़्यादा यू नो चीप रेट्स में लेते थे। ओके, सो गांधी जी इसके खिलाफ खड़े हुए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी उन्होंने। गांधी जी डिसाइड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्सप्लोइटेशन एंड टू रिलीव द फार्मर्स फ्रॉम दिस मिजररी बाय डूइंग सत्याग्रह। तो गांधी जी ने क्या सोचा था कि इसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और फार्मर्स को ऐसी दुविधा से बाहर निकालेंगे, लेकिन कैसे, सत्याग्रह से। ओके, सत्याग्रह यानी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करके। ओके, वायलेंस नहीं होगा यहाँ पर, बहुत शांति से, नॉन वायलेंस से होगा। ओके, गांधी जी वॉज सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड कंपल्सन ऑफ कल्टिवेटिंग इंडिगो, ठीक है। तो गांधी जी इसमें भी सक्सेसफुल हुए थे, और उन्होंने क्या किया था, उनके एफर्ट्स की वजह से फार्मर्स को आज़ाद कर दिया था, उन पर अब कोई ऐसा कंपल्सन नहीं था कि उनको सिर्फ इंडिगो ही प्लांट करना, उनको सिर्फ इंडिगो ही कल्टीवेट करना, जो करना है वो कर सकते हैं। ओके, द फार्मर्स वर रिलीव फ्रॉम द हरेसमेंट ऑफ द ब्रिटिश प्लांट ओनर्स, ठीक है, और फार्मर्स क्या हो गए थे, रिलीफ हो गए थे, उनको एक राहत मिल गई थी, वो फ्री हो गए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म अ कमिटी टू सप्रेस द नेशनल मूवमेंट दैट वॉज स्प्रेडिंग रैपिडली। तो देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या चाहा था कि जो ये इन लोगों का मूवमेंट हो रहा है, नेशनल मूवमेंट, इसको दबा दिया जाए, शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। सर
साइडन रॉल द ब्रिटिश ऑफिसर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी, और इस कमिटी का प्रेसिडेंट कौन था? सर साइडन रॉल्ट. ओके, इन एक्ट वॉज पास्ड, एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1919 बाई दिस कमिटी विच केम टू नॉन एज द रॉल्ट एक्ट. और एक एक्ट पास किया गया था 1919 में जिसको क्या बोला जाता था, रॉल्ट एक्ट. और वो क्या था अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. दिस एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी इंडियन विदाउट वारंट एंड टू पुट अंडर द ट्रायल विदाउट इंक्वायरी. ओके, तो देखो ये जो था रॉल्ट एक्ट वो क्या था कि किसी भी इंडियन को पकड़ के ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं. कुछ इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ उनके पास प्रूफ नहीं होगा, बस उनका जिनको मन करेगा वो क्या करेंगे, इंडियन को एक पकड़ेंगे और क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे. और वो किसी भी यू नो इंडियन को क्या कर सकते हैं, ट्रायल रन की किसी को भी कार्रवाई में, कोर्ट की कार्रवाई में फंसा सकते हैं. तो ये रॉल्ट एक्ट था, कितना कितना गलत चीज है ये, है ना. सो इसके खिलाफ फाइट किया था, हम लोग पढ़ते हैं अभी. सो महात्मा गांधी डिसाइड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट थ्रू सत्याग्रह. महात्मा गांधी ने क्या सोचा था कि इसके खिलाफ भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सत्याग्रह से, ठीक है, नॉन वायलेंस को फॉलो करके. ही अपील्ड ऑन 6 अप्रैल 1919 टू ऑल इंडियंस टू गो फॉर अ मास प्रोटेस्ट हड़ताल बाय चूजिंग डाउन ऑल द डेली ट्रांजेक्शंस, ठीक है. तो उन्होंने 1919 में 6 अप्रैल को लोगों से अपील किया कि क्या करें, एक मास प्रोटेस्ट पे चले जाए, हड़ताल पे चले जाए, अपने काम धंधे सब कुछ बंद करके. ओके, देयर वर मास प्रोटेस्ट इन पंजाब. पंजाब में भी एक प्रोटेस्ट था. 13 अप्रैल 1919 वॉज द डे ऑफ बाईशाखी. देखो बाईशाखी क्या होता है, सिख लोगों का न्यू ईयर होता है वो, ठीक है. तो वो जो फेस्टिवल था वहाँ पर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, ठीक है. 13 अप्रैल 1919 में थाउजेंड ऑफ पीपल हैड गैदर फॉर द मीटिंग हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल. तो देखो बहुत से यू नो थाउजेंड्स पीपल एग्जिस्ट थे वहाँ पर, थाउजेंड पीपल उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए थे. मैनी ऑफ देम वर नॉट अवेयर ऑफ द बैनर पुट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक गैदरिंग. लेकिन जो उसमें से बहुत से लोग थे, देखो हजारों संख्या में लोग हैं, वो लोग बेचारे फेस्टिवल क्या करने आए थे, सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन क्या था, बैन किया गया था. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पब्लिक गैदरिंग को बैन किया था, लेकिन लोग जो थे उस फेस्टिवल में मौजूद उन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि क्या है, बैन है पब्लिक गैदरिंग पे. जनरल डायर ओपन फायर ऑन दिस पीपल विदाउट एनी प्रायर वार्निंग. और जनरल डायर जो था उसने क्या किया, ओपन फायर किया यू नो इन लोगों पे, बिना किसी वार्निंग के कि तुम लोग चले जाओ या फिर हम लोग एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं. वो डायरेक्टली आया और क्या किया, फायर करना शुरू कर दिया. अबाउट 400 इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड ऑफ देम वर इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, ठीक है. 400 लोग मर गए थे और हजारों लोग इंजर्ड थे इस इंसिडेंट की वजह से. इट इज़ नॉन एज जलियांवाला बाग मस्केर, ठीक है. मस्केर यानी कि होता है यू नो मार देना लोगों को, ठीक है, खून खराबा. तो ये क्या बोला जाता है इसे, ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग मस्केर. ओके, इट क्रिएटेड अ वेव रेज ऑफ ऑल थ्रू इंडिया. इसकी वजह से यू नो बहुत ज़्यादा इंडियंस भड़क गए थे, बहुत ज़्यादा उनमें रेज हो गई थी, रेज यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था इस इंसिडेंट की वजह से, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के. रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज दिस एक्ट इन सेवेयर टर्म्स एंड गेव अप हिज टाइटल सर. तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने जो उनको टाइटल दिया गया था सर का, वो क्या थे पहले, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है. सर उनको किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने ही टाइटल दिया था. लेकिन उन्होंने क्या किया, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए भाई, और ये क्या किया, गिव अप कर दे टाइटल कि मुझे नहीं चाहिए. तो एक तरह का इन्होंने ये क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिशर्स के जो एक्ट था उसको, ठीक है.